أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to 10th Urdu class students unit number 3 की हमने reading start की हुई थी तो page number 30 से reading start करते हैं परिस्तान की शहजादी का सबक था सफा number 30 लास्ट पैराग्राफ से हमने रीडिंग करनी है मीर साहब की बीवी कुछ भी सही हुआ मेरा तो पिता फट जाता पिता फट जाना खौफ ज्यादा हो जाना तुरंत देखते ही जान निकल जाती सैदानी नहीं भी ये सब कहने की बातें हैं डर की बातों से डर लगा करता है जहाँ डर सामने आया तो फिर कुछ भी नहीं देखो बीमारी से लोग जितना भागते हैं और जब बड़े से बड़ा दुख भी आ जाता है तो सहना ही पड़ता है सहना बर्दाश्त करना पड़ता है मीर साहब की बीवी मैं तो फिर कहूंगी तुमको शाबाश है साद रहमत उस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया साद रहमत यानी 100 बार उस पर रहमत अच्छा हमें भी तो सुनाओ कि क्या हुआ क्यों गई थी परिस्तान कैसा मुल्क है वहाँ क्या क्या देखा सैदानी वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगता है सांप लौटने हसद करना परिस्तान की शहजादी जिसके जोड़े टांगने गई थी यानी जोड़े सिलाई करने बहुत सार हुई यानी जिद करना दूसरी परियों ने भी मिनतें की बात मनवाना मिनतें करना बात मनवाना कि सैदानी अम्मा यही रह जाओ दुनिया में अब तुम्हारा कौन है मगर मैंने एक ना मानी मुझ बदनसीब को तो अपने जैसे इंसानों की बेमुरवतियां यानी मोहब्बत ना रखना देखनी थी परिस्तान में क्यों बसती वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम डाल दिया जो गोरगड़े का ठिकाना हो गया गोरगड़े यानी कब्र वरना तेरे मेरे दरों की ठोकरें खाती फिरती मीर साहब की बीवी सैदानी भी सब अल्लाह के हाथ में है बंदे में क्या ताकत है कि भूखे को दे या पेट भरे से छीने हर एक अपनी तकदीर का खाता है हमारा क्या असल के किसी के साथ सलूक करें वो जबरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत करा रहा है सैदानी खैर अब तुमको अपनी बीती कहानी सुनाऊं यानी बीती गुजरी हुई बेगम ये वो दिन थे जे के नवाब आजम उल दौला बहादुर की इकलौती बेटी के ब्याह की तैयारियां हो रही थी इसको अंडरलाइन कर लें किसकी बेटी थी नवाब आजम उल दौला बहादुर की मारा 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 मार जोड़े सिल रहे थे यानी जल्दी जल्दी या तेजी से अवल अवल तो मुझे रात दिन नहीं रहना पड़ा काम हल्का हो गया तो दिन को चली जाती और शाम को अपने घर चली आती एक रोज जैसे बच्चे मकतब से भागते हैं मीर मेरा भी जाने को जी नहीं चाह और कई जगह से बुलावे आए ना गई शायद जुमा था कितने ही दिन नाए को हो गए थे खूब नाई शाम हो गई घूट पिलाओ मुझे बहुत भाता था पसंद था और घूट पिलाओ क्या होता है कच्चे सब चने का जो पुलाव बनता है मामा से बूट पुलाव पकवाया थकी थकाई लेटी थी इतने में झुटपटा हो गया झुटपटा शाम का वक्त पुलाव दम पर था कि बाहर से किसी ने आवाज दी सैदानी भी सरकार ने याद किया है पीनस भेजी है जिस तरह बैठी हो इसी तरह फौरन चली आओ मैं बड़े नखरों से जाया करती थी नखरों नाज से ऐसे बेवक्त यानी बगैर वक्त के और अपने भावन की पकवाई हुई चीज भावन होते हैं मर्जी छोड़ कर खड़े हो जाना मेरे आदत के खेल बिल्कुल खिलाफ था लेकिन होने वाली बात मैंने जरा इनकार नहीं किया और जैसे बैठी थी सफेद चादर सर पर डाल सवार हो गई यानी सफेद चादर करके या सर पर डालकर नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई दो आने डोली का होगा यानी दो आने डोली थोड़े फासले पर काजी वाड़े से निकले और खानम का बाजार आया पहले तो मुझे कुछ ख्याल ना हुआ जब बहुत देर हो गई और अटू बच्चू की आवाज ना आई बाजार से चिराग भी झलकते हुए दिखाई ना दिए झलकते हुए यानी जलते बुझते तो पर्दे की झरी खोली झरी होती है घेरा अब जो देखती हूँ तो जंगल साए साए कर रहा है और पीनस को जैसे पहिए लगे हुए हैं उड़ी चली जा रही है कलेजा धक से हो गया यानी हैरान होना बदन में सनसनियां आने लगी सनसनियां सख्ती की हालत हाथ पांव ठंडे पड़ गए कि ये क्या हजब हुआ
ये मोए कहार कहाँ लिए जा रहे हैं, कहार डोली उठाने वाले, इस जंगल में कौन सी सरकार है, लेकिन मरता क्या ना करता, दिल कड़ा करके यानी वो हिम्मत करके मैंने अपनी आवाज निकाली और पूछा है कमबख्तो यानी बुरी किस्मत वालों, या मुंह से तो फूटो यानी मुझे कुछ तो बताओ, मुझे कहाँ ले जाओगे, अरे वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है, सत्यानाशी बर्बाद होने वाली। हंसते हुए किसी ने जवाब दिया शैतानी भी खफा क्यों होती हो, बच्चा सलामत ने बुलाया है, कोई दम में महलात दिखाई देते हैं, कोई दम यानी थोड़े फासले पर। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पालकी के पास बोल रहे, मुंह निकाल कर जो देखा तो बेगम क्या कहूँ, एक बेचाकी शक्ल का आदमी था, बेचाकी बेढंगी, बकरे का सा मुंह, घोड़े की सी टांगे और पालकी आप ही आप चली जाती थी, ना कहार थे ना कहारियां, अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा, दम घुटना सांस रुक जाना, आंखें बंद कर ली और कलमा पढ़ने लगी, ढेर होकर रह गई, मिनट दो मिनट के बाद फिर हिम्मत की कि अव्वल मरना आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना, और ललकार कर बोली, ललकार कर चीख कर, अरे जमा मर तू कौन है, जिन या भूत, याद रख मैं सैदानी हूँ, मुझको बता नहीं तो जल कर राख हो जाएगा, भला जाता है तो मुझे यही उतार दे। उसने कहा सैदानी भी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह शहीदों को बहुत मानते हैं, खातिर जमा रखो यानी इत्मीनान रखो, कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारी शहजादी की शादी है, कपड़े सी कर चली आना, जितना मांगोगी इनाम मिलेगा, लो देखो वो सामने हमारे बादशाह का महल है। बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़ कर देखा तो वाकई पालकी आलीशान दरवाजे पर रखी थी, रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था, सुई गिर पड़े तो उठा लो, और मजा ये कि सूरज था ना चांद ना फानूस कहीं नजर आते थे, फानूस क्या होता है, बरती कुमकमे, ना लालटेन, चौकदार यानी पहरेदार, बारीदार मर्द हैं, इधर के उधर उधर के इधर दौड़ रहे थे, आसमान पर से अजब अजब के तरह के बाजों की आवाजें आ रही थी, ये तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबत भूल गई, मैं हैरान थी कि ये किस बादशाह का महल है, ये गहमा गहमी क्या होती है, रौनक तो हमारे बादशाह के यहाँ भी नहीं होती, किस्से कहानियों में जैसे परियों का जिक्र सुना था, ऐसी एक परी शानों पर बाल बिखरे हुए बाजुओं पर पार मेरे पास आई और महीन यानी बारीक आवाज में बोली, सैदानी भी बड़ी राह दिखाई, हमारे बादशाह और बादशाह बेगम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ चलो मैं तुमको महल के अंदर ले चलूं। मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह और इस परी के साथ साथ चली, क्या कहूँ अंदर क्या बाहर थी, हजारों परियां, गोरे गोरे रंग, बूटा सा कद यानी छोटा सा, जर्द बर कपड़े, जर्द बर चमकदार, हंसती चोहले करती यानी शरारते, ऐली गैली नाज और अदा से इतराते हुए फिर रही थी, चमन ऐसा के ना देखा ना सुना, हर दरख्त का तना चांदी का, सोने की शाखें, जमुरद के पत्ते, जमुरद सब्ज रंग का कीमती पत्थर होता है, खुशबू से दिमाग महका जाता था, होजों का पानी अल्लाह अल्लाह चांदी के पर बिखरे हुए मालूम होते थे, फवारों में से मोतियों की बुछार हो रही थी, बुछार क्या होती है, तेज बारिश, चलते चलते एक बारादरी में पहुंचे, बारादरी यहाँ बादशाह अपना दरबार लगाया करता है, बारादरी की सजावट क्या बयान करूं, किले के दरबार भी देखे हैं मगर उस जैसा समा आज तक नजर से नहीं गुजरा, सैकड़ों सुर्ख सा नीली जर्द ओदी सफेद कुर्सियां बिछी थी, रंग बिरंग के फ्लोर की थी, फ्लोर क्या होता है, शीशा या किसी और चीज की, ऐसी शिफाफ के आर पार निगाह गुजर जाती थी, आर पार यानी आमने सामने,
और इस बार हसीन हसीन परीजात जगमगाते लिबास पहने बड़े ठुसे से यानी टेक लगाकर या मजे से बैठे थे। बीच में एक नमगेरे के नीचे यानी साइपॉन एक बड़े याकूत के तक पर जिस में हीरे और पन्ने की पिचरकारी का काम था। बच्चा और बच्चा बेगम अजीब शान से बैठे हुए थे। बच्चा बेगम के पहलू में एक लड़की जो 14-15 वर्ष की चेहरा जैसी चौथी रात का चांद जुल्फे खुली हुई कई रंग के पार और ऐसी चमकदार के आंखें नहीं ठहरती थी। सर पर नीम ताज रखे बैठी थी और तीनों की पोशाकें यानी लिबास एक रंग की हो तो बताऊं घड़ी में चार चार रंग बदलती थी। मैं आगे तो बढ़ रही थी मगर हाथ पांव कांप रहे थे डर से नहीं हैरानी से कि या अल्लाह ये कौन लोग हैं, मैं जाग रही हूँ या ख्वाब में, ये परेशान की सैर है और अगर जागते में कोई परी या देव मुझे यहाँ उड़ा लाया तो देखिए घर उल्टा जाना भी होता है या नहीं। इसी सोच में तख्त के पास पहुंच गई। बच्चा मेरी घबराहट देखकर मुस्कुराए और बच्चा बेगम ने मुझसे कहा सैदानी भी आओ, मिजाज तो अच्छा है, यानी आप हाल कैसा है, मैंने सुना है कि रास्ते में बहुत डरी। यहाँ तक आज की हमारी रीडिंग मुकम्मल हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी अगली रीडिंग यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। इसके अल्फाज मानी आपने याद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।